अस्सलाम वालेकुम। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, इसके दो पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास था कैटिनेशन, जिसको प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा सेकंड फैक्टर था हमारे पास आइसोमरिज्म, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। दो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है, एक इज स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन एटम। कहते जो कार्बन एटम है, इसकी खास बात यह है कि अपने साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसके बाद ऑक्सीजन के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। सही है, काफ़ी सारे एलिमेंट जिनके साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ये सिंपल सी बात लिखनी है। सही है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो इसका स्मॉल साइज होने की वजह से ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम का छोटा साइज होने की वजह से इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग, ये बना सकता है ताकतवर कोवलेंट बॉन्ड विद इट्सेल्फ, अपने साथ एंड और अदर एटम्स, दूसरे एटम, जिस तरह के हमारे पास अदर एटम्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स में याद रखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ रही होती है, मतलब हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ रही होती है। सही, आगे ETC लिख दो, बस बहुत है हमारे पास। ये सिंपल सी बात है, अगर इस पॉइंट को एग्जामिनेशन पॉइंट से देखा जाए तो बच्चे पेपर में नहीं आता, पहले बता दूँ। हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आप लिखोगे। और अब मैंने इस चैप्टर की जब स्टार्ट किया था, मैंने वाज़े अल्फाज में कह दिया था इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आता। सही है, तो याद रखिएगा इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, हाँ अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, वरना ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर देखा जाए प्रीवियस जितने भी साल के पेपर निकालो, कभी भी यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बना। हाँ, जो प्रीवियस हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, कैटिनेशन, उसकी कंडीशंस और आइसोमरिज्म, ये तीन ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि पास्ट में इंतहा की दफ़ा आ चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बाद मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, कार्बन एटम की होती, यहाँ पे एक वर्ड यूज करेगा टेट्रावेलेंसी, क्या वर्ड यूज करेगा, टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मीन होता है फोर, वेलेंसी होती है बॉन्ड बनाने की सलाहियत, मतलब कार्बन एटम चार बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाएगा। सही है, तो कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है, जिसकी वजह से कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन आपस में डबल बना सकता है, और कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये बात आपने याद रखनी है, अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा कि हमारे पास कार्बन एटम कैन शो अ मल्टीपल बॉन्डिंग, मतलब क्या है कि ये चार बॉन्ड बना रहा था, ये आपस में सिंगल बॉन्ड भी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। अब ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपने नेक्स्ट चैप्टर में जाकर पढ़ना है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आगे जाकर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन वाले में। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन एटम शोज टेट्रावेलेंसी, कार्बन टेट्रावेलेंसी को शो कर रहा होता है, सो इट कैन फॉर्म, यह बना सकता है सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड
ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। बच्चे सिंगल बॉन्ड बनाता है अल्केन में, इन अल्केन, अल्केन में सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के दरमियान। मसलन अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ ना बच्चे, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड बना के ना आपने इस तरह ये तीन तीन हाइड्रोजन लगा देने, क्योंकि एक कार्बन एटम हमने पीछे पढ़ चुका है कि चार बॉन्ड बना रहा होता है, मैंने चार बॉन्ड पूरे करने हैं तो इसके लिए मैंने क्या किया जी चार हाइड्रोजन लगा दी। ये चेक करो कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और ये काम होता है अल्केन में, याद रखिएगा अल्केन, ओह अल्केन ए एन ई आना है सही है, इसके लास्ट में क्या है ए एन ई, और इसके अलावा एक और कंपाउंड है इन अल्कीन ई एन ई, उसमें ए एन ई है, इसमें ई एन ई है, इन अल्कीन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम, सही है। तो यहाँ पर अगर देखो कार्बन कार्बन का दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, अब देखो यह वाला कार्बन एटम चार बॉन्ड बनाना चाहता है, कितने बॉन्ड बने हुए हैं दो, तो बाकी कितने ये वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा दो, दो से, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम लगा दो, यहाँ पर लगा दो, और ये वाला भी सेम दो से ही जुड़ेगा, ये वाला सेम दो से जुड़ेगा, और ये हमारे पास है अल्कीन, क्या हमारे पास है अल्कीन, और एक वर्ड और होता है अल्काइन, या अगले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करता है, इन अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स, सही है। अगर यहाँ पर देखा जाए कार्बन कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है ये इस तरह है, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में आ गया, सही है था जी। हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस टॉपिक में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सपोज करो इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसमें ये सारे के सारे पॉइंट लिखोगे, सही है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, बेसिकली मैंने बता दिया इस चैप्टर से शॉर्ट आते हैं, और शॉर्ट के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशन कैटेनेशन की और इसकी कंडीशन और आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल्स, बस और कुछ भी यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।